आड़ो आज तुम बीच में ना आते ना, मैं तो आज प्रपोज मार देता। अड़वे अगर तू आज ऐसा प्रपोज मार देता तो आज तू हमसे दूर हो जाता और उसकी लव लिस्ट में तेरा नंबर 6 होता। तुए? साले तुझे नहीं पता कि उसके ऑलरेडी 5 BF है, तो तेरा नंबर 6 होता ना। हाँ साले, यानी हम तेरे नंबर 6 बुलाते। भाई वो रास्ते में कहीं गिर गया। चल छोड़ यार, वैसे तुझे पता है मार्केट में नई गेम लॉन्च हुई है। हाँ भाई मैंने भी सुना है इस गेम के बारे में, बहुत चल रही है ये गेम और बहुत खेलते रहते बंदे सारे। और मैंने तो अपने पापा से बोल दिया अगर मैं अच्छे नंबर से पास हुआ तो मुझे चाहिए टच वाला फोन। अब क्या बात कर रहे दोनों है, कहाँ रास्ते में रह गया था दीपू? भाई वो मार्केट में नई गेम नहीं आई पबजी? अब उसकी बात मत करो, तो साले सबके सब दीवाने हो रखे उस गेम के, पता नहीं उसमें ऐसा क्या है, मुझे तो बिल्कुल मजा ना आया। बहुत नाम सुना है यार, बहुत अच्छी गेम है। सभी खेलते रहते हैं उसी गेम को। भाई कहते हैं ना सबको राजमा चावल तो पसंद आता नहीं है, चलना उस गेम बात को हटा, चल बैट बॉल खेलने चल रहे हैं। चलते हैं यार, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा। चल रहे मैं क्या सोच रहा हूँ पिच को ना यहाँ लगाएंगे। ना 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 यहाँ करेंगे। अबे विकेट यहाँ होगी। ना ना यहाँ करेंगे। नहीं समझा मेरी बात? नहीं माने? ना मानूंगा मैं तो यहीं करूंगा। अबे यहाँ होगी तो होगी। बस साले यहाँ ना कर लो, यहाँ आसमान में कर ले, खेलना खेल ले आराम से। हाँ चल ठीक है, ओए चल पहले मेरी बारी है। चलो भाई बैट बॉल में तो आज मजा आ गया। हाँ भाई बहुत मजा आ गया यार। चलिए हटा ये बता यार, कॉलेज का क्या प्लान है? कॉलेज में ही देखेंगे। अरे भी सही बात है, चल कॉलेज। चलो ठीक, बारिश हो रही है, चल घर चल रहे, चलते हैं फिर। तो भाई तेरे कितने मार्क्स आए? भाई तेरे भाई के तो 97 प्लस आए, और घर जाते ही लूंगा नया फोन। तेरा भाई भी आज फोन लेगा। अच्छा रे चल दे यार, आ जा गए चल दे यार, ठीक है उधर आने देखते हैं। अरे यार उधर बनता है ना सीधा। और भाई कितने मार्क्स आए तुम्हारे? बस भाई पास हो गए। चल ठीक है। और भाई क्या कर रहा है? तेरा भाई तो पबजी खेल रहा है। अबे साले तू कब से पबजी खेलने लगा? मैं तेरे भाई ने नया फोन लिया पास होने की खुशी में। अबे पार्टी तो दे देता साले, चल छोड़ इस बात को, चल बैट बॉल खेलने चल रहा। चल ठीक है, तू पहुंच में आ रहा हूँ। ठीक है आ जाओ, पर ठीक है अबे इस गेम को हटा दे जल्दी। भाई यार भाई रिवाइव दे दे यार, रिवाइव दे भाई। कहाँ रह गए साले, अभी तक ना आए साले, पता नहीं कहाँ रह गए। भाई तो आया नहीं यार, चलना यार बैट बॉल खेलने चलते। इस पबजी में क्या रखा है यार? भाई तो क्या है यार, जब देखो बैट बॉल करता रहता है। ये भी कोई गेम है? इससे अच्छी तो मेरी गेम है, कम से कम इसमें मुझे अच्छी कंटेनर तो मिलता। उसमें क्या मिलता है, थक हो जाते हैं ऊपर से। चल ले यार तू जा, मेरे को नहीं खेलना। ठीक है भाई मेरी मर्जी। अभी तक नहीं आया यार, क्या होगा इन सालों को, दो दिन से आई ना रहे बैट बॉल खेलने। साला जब से फोन आया फोन में घुसे रहे, तो पता ना क्या है उसमें ऐसा। चल कल बताऊंगा दोनों को। कल तेरे भाई ने पबजी में 8 किल किए। 8 किल तेरे भाई ने, 8 चिकन डिनर करे। अबे भाई तुम लोगों को हुआ क्या यार, आजकल तुम लोग मिलते ही नहीं यार। भाई थोड़े बिजी है, पबजी खेलते हैं। अरे यार तुम यार किस गेम के पीछे पड़े हो यार? अरे भाई तुझे क्या प्रॉब्लम है हमारी गेम से? भाई मैं फोन में यार तुम्हारी गेम से नहीं यार, ना तुम मुझे मिल रहे हो ना यार तुम मुझसे बात कर रहे यार। भाई तू हम लोगों की तरह नहीं है, और आज से हमसे बात बोला कर तू, ठीक है ना? हम तेरी तरह नहीं है भाई। टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना रूठे।
रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना ओ अल्लाह वारिया, ओ मैं तो हारिया, ओ टूटे यारिया, मिला दे ओ। अच्छा तुम्हारे साथ ये सब हुआ, क्या तुम्हारे लाइफ में बनना क्या चाहते हो? मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए मेरे कोच है तुम्हें, मैं तुम्हें उनसे मिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तुम्हारी ट्रेनिंग कल से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। सुबह मिल जाना 5 बजे। रास्ते भागे वहां से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे, क्यों सोचना है जाना कहां, जाए वहीं ले जाए जहां, बेसबरियां कदमों पे तेरे बादल झुकेंगे, जब तक तुझे एहसास है जागीर तेरी, तेरा खजाना ये तश्नगी है, ये प्यास है, क्यों रोकना अब ये कारवां, जाए वहीं ले जाए जहां, बेसबरियां तेरे, क्यों रोशनी तू बाहर तलाशे, तेरी मशाले अंदर तेरे, क्यों ढूंढना पैरों के निशान, जाए वही ले जाए जहां, तुम्हारे लिए कुछ कर दिया है क्या सर? तुम्हारी टीम इंडिया में सिलेक्शन हो गया है सर।
नमस्कार मित्रों, इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि इंडिया के सिलेक्टर्स ने आने वाले वर्ल्ड कप का सिलेक्शन खत्म कर दिया है और एक नया ही चेहरा हमारे सामने आ रहा है। तस्वीर में देखने वाले ये प्लेयर अच्छा सा बैट्समैन होने के साथ अच्छा विकेट कीपर भी है और धोनी के बाद अगर किसी का जिक्र किया जाए तो ये यही प्लेयर होगा। अब वर्ल्ड कप हमसे दूर नहीं। भाई तूने कल देखा था शायद दीपू टीवी पे आया था? हाँ यार, मैंने भी देखा था, कल टीवी पे आ रहा था वो। लगता है बड़ा आदमी बन गया। तो भाई बड़ा आदमी हो रहा है। सही कहा भाई, सही कहा, इग्नोर बहुत कर रहा भाई। भाई भी तो बदल गया, चेंज हो गया, भूल गए लोग। भाई मैं कहाँ बदलूँ यार, मैं तो आज भी होंगी जो तुमने कहा था। मैं तो वही खेलता हूँ अपना बैट बॉल यार। तुमने तो कहा था कि यार तू चले जा, मैं भूला हूँ क्या तुम्हें? तुमने कहा था कि चले जाओ यार, तो मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। सही कहा था तुमने, मैं नहीं हूँ तुम्हारे जैसा और ना ही बनना चाहता हूँ। तुमने लाइफ की वो गेम चुनी जिसमें तुम कुछ कर नहीं पाए और आज भी वहीं रह गए। मैंने अपनी लाइफ की गेम चुनी थी जिससे आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। और तुम दोनों यार, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, पर तुम अगर वो नहीं और देना उस दिन यार ये बात मान लेते तो आज तुमने साथ में साथ खड़े होते। खेलना है तो लाइफ की वो गेम खेलो जिससे तुम कुछ बन सको, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं हो पाया। तुम्हें वो चिकन डिनर मिला जो तुम कभी पा ही नहीं पाए। मुझे वो मुकाम मिला जो मेरे साथ आज भी खड़ा है। लोगों के सामने मेरी पहचान है, मेरी पहुँच है, जो तुम लोगों के लिए कुछ नहीं है। तुम लोगों के लिए कुछ मायने नहीं रखती होगा। तुम वही गेम खेलो, तुम्हारा गेम में बहुत कुछ मिलता है। तूने ही कहा था ना कि सब यार याद कर कि तो ये तो भाई चिकन डिनर मिलता है उससे। वो चिकन डिनर मुझे भी दिखा दिया यार, कहाँ है ठीक है पापा जी। तुम्हारे तुम क्या दोस्त है, दोस्त रहोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो ज़्यादातर गेम्स में लगे रहते हैं। और गाइस जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना गाइस। ये फर्स्ट वीडियो जो मैंने कम बजट के